आदरणीय श्री गुरसप्रीत सिंह सोढ़ी, कुलसुप महानिरीक्षक जालंधर, श्री नवजोत पाल सिंह रंधावा IAS, डिप्टी कमिश्नर SBS नगर, श्री अखिल चौधरी IPS, SSP SBS नगर, उपस्थित अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, अन्य रैंकगण, अन्य विभागों से पहुंचे हुए अधिकारीगण व कार्मिक, विभिन्न स्कूलों से पहुंचे हुए प्रधानाचार्य अध्यापकगण सभी बच्चे, विभिन्न स्कूलों से आए हुए कार्मिक, मेरे सभी साथियों, खास तौर से श्रीमती तारा यादव उप कमांडेंट केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल टीम, यशस्वी 75 केंद्रीय रिजर्व पुलिस महिला मोटरसाइकिल रैली महिला बैंड टीम के सभी सदस्यों का आज इस शुभ अवसर पर इस पावन पवित्र धरती व माटी पर उपस्थित होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। महोदय, यशस्वी 75 केंद्रीय पुलिस महिला मोटरसाइकिल रैली 3 अक्टूबर 2023 को श्रीनगर से रवाना हुई और 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मोत्सव मनाने के उपलक्ष्य में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जो कि एकता नगर गुजरात पहुंचेगी। मेरे सामने उड़े जन सैलाब को यह बताना चाहूँगा कि यह गांव खटखट कलां सरदार शहीद आजम सरदार भगत सिंह का पुस्तैनी गांव है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह के पिताजी सरदार किशन सिंह व माता श्रीमती विद्यावती जी का जीवन इसी गांव में व्यतीत हुआ है और अपने जीवन की आखिरी सांसें इसी गांव में ली थी। यह देश हमेशा शहीद आजम सरदार भगत सिंह व उनके परिवार का ऋण रहेगा। धन्यवाद महोदय। जय हिंद, जय भारत। श्री नवजोत पाल सिंह रंधावा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शहीद भगत सिंह नगर, डॉक्टर अखिल चौधरी SSP शहीद भगत सिंह नगर, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के और सिविल पुलिस के अधिकारीगण, श्री जितेंद्र पाल सिंह कमांडेंट और सबसे महत्वपूर्ण CRPF की यशस्विनी मोटर बाइक टीम के डिप्टी कमांडेंट तारा यादव और उनके मेंबर्स, आज CRPF के लिए भी बड़े गर्व का दिन है और हमारी मोटर बाइक एक्सपीडिशन के लिए भी बड़े गर्व का दिन है कि हम इस ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण जगह पर एकत्रित हुए हैं जहाँ पे शहीद भगत सिंह जी का मेमोरियल भी है और उनका ये पुश्तैनी गांव है। CRPF की ये महिला एक्सपीडिशन 3 अलग अलग जगह से चली है और पूरे भारतवर्ष में तकरीबन 10,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता नगर गुजरात में 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे पर पहुंचेगी। इस एक्सपीडिशन में जो हमारे मेंबर्स हैं वो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग कम्युनिटीज़ के हैं और ये बड़ा जोखिम भरा और बड़ा डिफ़िकल्ट एक्सपीडिशन है और इसमें काफ़ी लड़कियां ऐसी हैं कि जिन्होंने शुरू ही किया है अभी बाइक चलाना और ये इतना सफ़र तय करके मैसेज कन्वे करना चाहती हैं। एक तो नारी शक्ति का मैसेज कन्वे कर रही हैं कि लड़कियां भी वो सब काम कर सकती हैं, महिलाएं भी वो सब काम कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं और इनफैक्ट उनसे अच्छा ही कर सकती हैं। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मैसेज भी ये दे रही हैं और इनकी एक्सपीडिशन जो है साथ साथ में देश में अनेकता में ही एकता का मैसेज कन्वे कर रही हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें अवसर प्रदान किया कि हम इस ऐतिहासिक जगह पर आकर यहाँ पे हम श्रद्धांजलि भेंट कर सकें। मैं अपनी तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी और CRPF के सभी अधिकारीगण की तरफ से भी मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन वालों को मेंबर्स को शुभकामनाएं देता हूँ और उनकी सुखद यात्रा की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं श्री नवजोत सिंह रंधावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से अनुरोध करूँगा कि वह मंच पर पधार कर अपने शुभ आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करें। मैं नवजोत रंधावा शहीद भगत सिंह की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सब CRPF के ऑफिसर्स बैंड और महिला मोटरसाइकिल टीम का स्वागत करता हूँ। ये जौन सा एकता का स्टेप है श्री वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन वाले दिन ये सब उनके यूनिटी स्टैचू पर पहुँचेंगे। ये दिखाता है कि बीइंग डाइवर्स वी आर स्टिल वन, क्योंकि ऐसी CRPF महिला टीम भारत के कोने कोने से
वहाँ एक ही तारीख को पहुँचेंगी। ये जो सा स्टेप CRPF ने लिया है यूनिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है और मैं इनको बधाई देता हूँ और ये भी आशा करता हूँ कि ऐसे बढ़िया स्टेप्स आगे लिए जाएं। ऐसे स्टेप्स में आगे से हम भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एटलीस्ट पंजाब का जो सा रूट है उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।